हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आई एम नंदकिशोर प्रजापत और आज इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स का टाइप सेकंड एंड थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जिसके दो तीन पार्ट हमने पढ़े थे, जिसमें आर्टिकल डिटरमिनेंट्स क्लियर किए थे, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स और तीसरा पजेसिव डिटरमिनेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स को हिंदी में संकेतवाचक निर्धारक कहते हैं। संकेत, हिंट देना। जैसे यहां पर मैंने कुछ लिखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एटसेट्रा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, संकेतवाचक निर्धारक। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन के बारे में संकेत देते हैं, तो वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। ये किसी की तरफ इशारा या संकेत करते हैं। अब जैसे यहां पर देखो, दिस, दिस यानी यह, देट यानी वह, दीज यानी ये, और दोज यानी वो, और सच यानी ऐसा, ऐसी या ऐसे। तो जैसे हम बोलेंगे, दिस बुक इज माइन। दिस बुक, अब बुक एक नाउन है, अब उस नाउन से पहले दिस लग रहा है और उस नाउन बुक को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सी, दिस बुक, यह किताब। तो वो यह यानी दिस बुक जो है वो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, संकेत दे रहा है। अब हम इन वर्ड्स के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं, क्या अर्थ है, कैसे यूज करते हैं और कैसी स्थिति में इनका उपयोग होता है। दिस और दैट, जो ये दिस और दैट है, इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। दिस यानी यह, दैट यानी वह, इन दोनों को मैं आपको समझाता हूं कि दिस जब कोई चीज नजदीक में हो और वो सिंगुलर होनी चाहिए, समझ रहे आप? जैसे मेरे नजदीक ये पेन है, ठीक है, मेरे पास में, ज्यादा दूरी नहीं है। This pen is mine. यह पेन मेरा है और सिंगुलर है। अब काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, गिनने योग्य हो या न गिनने योग्य हो, तो जब चीज नजदीक में हो तो हम दिस का यूज करेंगे सिंगुलर काउंट नाउन के बारे में, और वही नाउन अगर दूर हो, जैसे अब ये यहां से थोड़ा अगर दूर हो तो हम कहेंगे दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है। अब यह ध्यान देना है कि एक तो दिस और दैट का यूज सिंगुलर नाउन के लिए होता है और दोनों का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए हो जाता है, लेकिन यह ध्यान देना है कि जब नजदीक का इशारा करे तो दिस यूज होगा और अगर दूर हो तो दैट यूज होगा। और यह भी ध्यान देना है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं तो हम समय दूरी परिवर्तन में, नियम परिवर्तन में ये देखते हैं दिस को क्या हो जाता है, दैट। तो इसका मतलब हुआ दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ दिस, दैट जो है वो दिस की पास्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, दीज और दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउंस, ठीक है। तो दीज यानी ये, दोज यानी वो, दीज बहुवचन के लिए, दोज भी बहुवचन संज्ञाओं के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं समझाता हूं कि अब एक से ज्यादा पेन है मेरे पास और वो भी पास में और काउंटेबल। दिस और दैट का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता था, लेकिन ध्यान रखें दीज एंड दोज का जो प्रयोग है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है और बहुवचन संज्ञाओं के लिए होता है। अब ये एक से ज्यादा नाउन मेरे सामने और पास में है, यानी दीज का यूज नजदीक स्थित चीजों के लिए होता है और दोज का प्रयोग दूर स्थित चीजों के लिए करते हैं। तो जैसे दीज पेन्स आर माइन, ये पेन मेरे हैं। अब ये अगर दूर हो, ओके, तो दोज पेन्स आर माइन, वो पेन मेरे हैं या वे पेन मेरे हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, अगर दो कोई भी, जैसे मेरे पास दो बॉय मेरे सामने लड़के बैठे हैं, एक थोड़ा पास में है, एक थोड़ा दूर में है, तो हम कहेंगे दिस बॉय,
यानी पास वाले के लिए, दैट बॉय। पास में अगर बहुवचन कोई भी नाउन होगा, जैसे दीज गर्ल्स, दोज गर्ल्स, इस तरह से ध्यान रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, दीज डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव डिटर्मिनर, विशेषण डिटर्मिनर भी कहलाते हैं। हमने अभी तक एडजेक्टिव पढ़ा नहीं है, यानी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। जो एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, जो यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक के रूप में है, लेकिन दोनों एक समान ही है। जैसे यहां पर देखो, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। हाउस यहां पर नाउन, तो नाउन से पहले दिस लगा हुआ है, ठीक है, दिस हाउस। तो ऑप्शन ऐसा ही होगा कि ऑप्शन में डेट आ जाएगा, दोज आ जाएगा, दीज आ जाएगा। अब दोज और दीज तो होगा नहीं, हाउस सिंगुलर है और डेट भी ध्यान रखने योग्य है, होगा या नहीं होगा, या डेट या दिस में दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, वहां पर होगा नहीं, इस तरह से कंफ्यूज करने वाले दो ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। तो आई लाइक दीज स्वीट मैंगोज, मैं इन मीठे फलों को पसंद करता हूं या मुझे अच्छे लगते हैं। तो कैसे, ये, यह, तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है, यह घर, यह, ये आम, ठीक है। और अगर वो एडजेक्टिव होंगे तो कैसे हो जाएंगे, कि कौन सा घर, यह घर, तो वो यह जो है वो विशेषण बता रहा है। तो अभी हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं। दैट गर्ल लिव्ड इन माय विलेज, दैट गर्ल, कौन सी, वह लड़की, तो संकेत देना। दोज प्लेयर्स आर माय फेवरेट, प्लेयर मेरे फेवरेट है, फेवरेट है कौन से, दोज, वे। सच बॉयज आर नोटोरियस इन द क्लास, ऐसे लड़के, कैसे लड़के, ऐसे इस प्रकार के लड़के क्लास में नोटोरियस होते हैं। तो ये हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का टाइप। और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप थ्री है, पजेसिव डिटर्मिनर्स, संबंध सूचक निर्धारक, ठीक है। पजेसिव मतलब जैसे हम कहते हैं स्वामित्व प्रकट करना किसी का, अधिकार सूचक भी कह सकते हैं। तो संबंध कारक या संबंध सूचक, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, वंस, ठीक है। ये वंस किसका है, ये भी हमारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो जैसे माई फादर किसके, मेरे, तो यहाँ पर फादर जो नाउन है उससे पहले यहाँ पर माई लगकर यहाँ पर जो फादर नाउन है उसको डिटरमाइन कर रहा है, तो ठीक है। तो ये पजेसिव डिटरमिनर हुआ। एंड पजेसिव डिटरमिनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, यानी इनको संबंध सूचक विशेषण भी कहते हैं। तो किसके, कि मेरे, तो निर्धारण हुआ। वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो वन का जो पजेसिव होगा वंस होगा, ठीक है, अपना कर्तव्य। योर फ्रेंड्स वर एंजॉइंग इन द वॉटर ऑफ लेक, तुम्हारे मित्र झील के पानी में एंजॉय कर रहे थे, किसके, तुम्हारे। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आ रहा है कॉमन नाउन, उस कॉमन नाउन को यहाँ पर कौन डिटरमाइन कर रहा है, योर, किसके, योर। हिज सिस्टर हैज फिनिश्ड द वर्क्स, उसकी बहन ने काम खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, किसकी बहन ने, उसकी बहन ने। तो यहाँ पर डिटरमाइन हुआ हिज, हर, योर, एटसेट्रा, जो पजेसिव डिटरमिनर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने टाइप टू डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स और टाइप थ्री पजेसिव डिटरमिनर इस वीडियो में देखा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप जो हमारे बचे हुए डिटरमिनर्स के वो देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।